सब कुछ वैसा ही होगा ना जैसा हमने सोचा था, है? क्यों नहीं होगा? जो वसीयत में साफ साफ लिखा है कि निकाह के बाद अहल की आधी जायदाद उसकी बीवी की होगी, मतलब हमारी निदा की होगी, तो जो निदा का हुआ हमारा हुआ, मतलब इस जायदाद के आधे मालिक बन जाएंगे हम। हमें तनवीर बेगम की गुलामी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज़्यादा ख्याली वो मत पकाओ। तनवीर बेगम को जानते हो ना? अच्छे से। हाँ। भले ही उन्होंने निदा के लिए हाँ बोल दिया है, लेकिन उनके शातिर दिमाग में क्या चल रहा है ये कोई नहीं समझ सकता। जॉन वारी, तनवीर निकाह के लिए मना कर ही नहीं सकती। बहुत बुरी तरह से फंस चुकी है तनवीर, उसे किसी भी तरह आहिल का निकाह करवाना ही, क्योंकि ना उसके पास वक्त है और ना ही ऑप्शन। अब इतने कम वक्त में ऐसी लड़की कहां से मिलेगी जिससे आहिल खुद भी निकाह करना चाहता हो? The ball is in our court. अब चाहे जो हो जाए, भोपाल की बेगम तो मैं ही बनूंगी। एक बार बस निकाह हो जाए तो सबको उनकी असली जगह बता दूंगी, चाहे फिर वो इस घर का नौकर हो या फिर खुद तनवीर बेगम। इन सबको मेरे पैरों के नीचे रहना पड़ेगा। क्यों रेहान मियाँ, अकेले अकेले मुस्कुरा रहे हो? बात क्या है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ऐसे ही तो नहीं, जब इंसान ही मुस्कुराता है ना तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई कहानी रहती है। What's your story? कहानी क्या है? कोई कहानी नहीं है आहिल भाई, कम से कम फिलहाल तो नहीं। लेकिन तुम्हारी आंखों से देखकर ऐसा लगता है कि तुम किसी कहानी का इंतजार कर रहे हो। कुछ छुपा रहे हो? कम ऑन रेहान मियां, आज तक तुमने कुछ नहीं छुपाया मुझसे। व्हाट्स गोइंग ऑन? वैसे आज तक तो आपने भी मुझसे कुछ नहीं छुपाया था। हाँ तो अभी भी कहाँ छुपा रहा हूं? क्या आप निदा से निकाह करके खुश रहेंगे? क्या आप उससे मोहब्बत करते हैं? या आपको भी किसी कहानी का इंतजार है? आपकी खामोशी बहुत कुछ कह रही है आहिल भाई। इंसान अपने आप से झूठ बोल सकता है पर अपने दिल से नहीं। आपके पास अभी भी वक्त है, कोई ऐसी कहानी मत शुरू कीजिए जो आपका दिल सुनना नहीं चाहता। मेरी कहानी
You know the irony of life? हम कहानी को कभी नहीं चुनते, कहानियां हमें चुनती है। Let's see. Let's see हम दोनों की कहानी हमारे लिए क्या चुनती है। ये देखिए बेगम साहिबा, दूसरा दुपट्टा। ऐसा दुपट्टा पूरे भोपाल में कहीं नहीं मिलेगा। एक एक तार असली सोने के हैं। जब ये दुल्हन रानी पहनेगी ना तो सब के सब देखते रह जाएंगे। जी बहुत खूबसूरत दुपट्टा है। चुन्नी चढ़ाई की रस्म के लिए हमने यही दुपट्टा पसंद किया है। छूकर ही पता चल रहा है, बहुत खूबसूरत और बहुत बारीकी से काम किया गया है इस पर। देखा बेगम साहिबा, मैंने कहा था ना। अरे बेगम साहिबा, आपके हाथ में तो इस दुपट्टे की शान और बढ़ गई है। माफ कीजिएगा, लेकिन छूके महसूस करने में और देख के पसंद करने में बहुत फर्क होता है। शायद अगर आप देख पाती तो आपको भी ये पसंद नहीं आता। और वैसे ये बहुत ही गॉडी है और ये कलर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है निधा बेटा, अगर तुम्हें ये दुपट्टा पसंद नहीं है तो तुम कुछ और ले लो। अरे आसमा बेटा, तुम अपने लिए कुछ पसंद नहीं करोगी? जी चाय। हे बी केयरफुल, ये क्या कर रही हो तुम? तुमने यहां पर चाय रखी है? तुम जानती भी हो यहाँ पे जो एक एक कपड़े पड़े हैं उन सब कपड़ों का दाम तुम्हारी साल भर की सैलरी से भी ज्यादा है। अगर ये चाय गिर गई, कुछ हो गया तो आहिल। हाय बेबी। अच्छा हुआ तुम आ गए। प्लीज मेरी हेल्प कर दो दुपट्टा सिलेक्ट करने में। मैं भी बिजी हूं, बाद में। आहिल बेटा, बेटा निदा इतने प्यार से कह रही है तो रुक जाओ ना। और बेटा हम भी यही चाहते हैं कि इस रस्म के लिए तुम दुपट्टा पसंद करो। इतना तो हमारे लिए करोगे ना? अच्छा चलो।
अब सनम एक मिनट रुकना, यहाँ पर आ जाओ, हम भी जरा देखें कि कौन सा दुपट्टा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर खड़ी हो जाओ। बस यहाँ पर सीधे खड़े रहो। आहल जरा बताना कौन सा दुपट्टा अच्छा लग रहा है। सनम हाथ यूं करो। ये दुपट्टा कैसा लग रहा है? नहीं अपना हाथ दो और सीधी खड़ी रहो। सर ये देखो आहिल, ये दुपट्टा खाला, वो वाला दुपट्टा पास करना ना, ये अच्छा है शायद। ये देखो आहिल, अच्छा है ना? घूम जाओ सर। नहीं तो बहुत हो चुका। तुम्हें जो चूज करना है वो चूज कर लो। जस्ट स्टॉप ऑल दिस। बहुत अच्छा हुआ कि हमें ये दो ऑर्डर्स मिल गए। अगर उन्हें काम अच्छा लगा ना तो देखना हम यहाँ भी एग्जीबिशन लगा सकते हैं। सनम की भी मदद हो जाएगी। सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, हम ऑटो से चले जाएंगे। देखिए भले ही हमारी मंजिल अलग हो, रास्ता तो एक ही है और मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। चलिए। हम लोग दरअसल यहाँ कपड़े खरीदने आए थे। वो हयाना कढ़ाई करती है, बहुत खूबसूरत कढ़ाई करती है। हमारी सनम के निकाह के सारे कपड़े हयाना ही बनाए थे। क्या सनम का निकाह हो गया? नहीं, मतलब होने वाला था मगर हुआ नहीं, टूट गया। ओह, अच्छा हुआ। जी नहीं नहीं, मेरा मतलब ये था कि अल्लाह जो कुछ भी करता है उसके पीछे कुछ न कुछ अच्छा जरूर होता है। और सनम के नसीब में भी जरूर कुछ अच्छा ही लिखा होगा। वैसे हुआ क्या था? बस वही जैसा कि आपने कहा,
अल्लाह ने शायद उसकी किस्मत में कुछ अच्छा ही लिखा है। वो दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं। बहुत दिल दुखाया उसने मेरी बेटी का। अल्लाह उसे कभी माफ नहीं करेगा। ये तो सनम थी जो सब सहन कर गई, वरना उसकी जगह कोई और होता तो कब का टूट चुका होता। अब तो बस यही दुआ करती हूं कि मेरी सनम को कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए और वो सेटल हो जाए। काश अल्लाह आपके जैसे और भी लड़के बनाता। मैं भी तो आपकी याद में मरी जा रही हूं शोएब। ये घर आपके बिना घर ही नहीं लगता। और उस हया की बच्ची को, उसको मैं छोड़ूंगी नहीं। पर आप परेशान मत होइए और प्लीज अपना ख्याल रखिए। मैं आपको बहुत जल्द इस घर में वापस लाऊंगी। हाँ मेरे लिए और ये किसके लिए? राहत के लिए? राहत ये नहीं पहनेगा, उसे ऐसे रंग पसंद नहीं है। अब तुम्हें कुछ बनाना ही था तो मुझसे पूछ लेती, मैं बता देती। बेकार में तुम्हारा वक्त तो नहीं बर्बाद होता ना? हाँ वाओ, इट्स सो प्रिटी। बिल्कुल वैसा ही है जैसे मुझे चाहिए था। या अल्लाह, कितना खूबसूरत है ये। वाह क्या बात है। अरे आसमा बेटा, जरा हमें भी तो बताओ कि हमारी होने वाली बहू की पसंद क्या है। कैसा है ये दुपट्टा, कौन से कलर का है? बहुत खूबसूरत है बेगम साहिबा, हल्के नीले रंग का है और बहुत सुंदर कढ़ाई है उस पे। नीले रंग का है? लेकिन हमें तो आहिल के निकाह के लिए लाल कलर का दुपट्टा चाहिए, यही हमारे खानदान का रिवाज है। ओ कम ऑन अम्मी, आपको फैशन के बारे में कुछ भी नहीं पता। और वैसे भी लाल रंग तो कब का आउट ऑफ फैशन हो गया है। आजकल तो लड़कियां जो भी कलर चाहे वो कलर पहनती है अपने निकाह में। लेकिन निदा बेटा, कम ऑन अम्मी, निकाह मेरा है, मुझे इतना हक होना चाहिए कि मैं जो भी कलर का चाहूं वो कलर का जोड़ा पहनूं। प्लीज हम तो बस इतना चाहते थे निदा बेटा कि हमारे आहिल बेटे का निकाह खानदान के रीति रिवाज के मुताबिक हो। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हें भी पूरा हक है कि तुम अपने निकाह के दिन कौन सा जोड़ा पहनो। तुम्हें जो पसंद है वही जोड़ा पहनना। हम ठीक है। Thank you.
काला। अब वही दुपट्टा चूज करेंगे क्योंकि अम्मी को पसंद। आहिल बेटा, हाँ आहिल, लेकिन निदा, मेरी अम्मी मेरे लिए खुदा से भी बढ़कर, तो मेरी होने वाली बीवी वही दुपट्टा पहनेगी जो अम्मी ने चूज किया। Nothing else. हम इस खेल के पुराने खिलाड़ी हैं निदा। इस खेल में जीत भी हमारी और पट भी हमारी होगी। अगर आप ये सोचती हैं कि आप ये बाजी जीत गई, तो मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि मैं इस खेल की बिसात बदल के रख दूंगी।